ट्रेन अभी रुकी पड़ी है सुबह मॉर्निंग में, और सामने देख सकते हैं ये आर्मी के हमारे जवान जो है भाग रहे, देखो दौड़ लगा रहे हैं। ओए देखो, एक सैल्यूट तो बनता है अपनी इंडियन आर्मी को यार, अपनी फोर्स के लिए एक सैल्यूट बनता है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मॉल रोड पे तो अभी काम चल रहा है, अभी आप में से कोई भी प्लानिंग कर रहा है आने की, ये देखिए काम चल रहा है पूरे मॉल रोड पे। 200 रुपए पहुंच चुके हैं दिल्ली से अपना मसूरी, कैन यू बिलीव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे। हाजिर हूँ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक और नया ब्लॉग लेकर के, और आज का ब्लॉग भी फ्रेंड्स बेहद खास होने वाला है आप सबके लिए। दिल्ली से आज आपको मैं लेके जाने वाला हूँ क्वीन ऑफ हिल्स, यस फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी। यस फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी प्लानिंग कर रहा है दिल्ली से मसूरी जाने के लिए तो ये ब्लॉग बेहद खास होने वाला है आप सबके लिए, और इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला आपको कि आप दिल्ली से मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं। इस टाइम पे खड़ा हूं मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहीं से आज हमारी जो है ट्रेन का सफर होने वाला है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मसूरी जाने के लिए तो मसूरी डायरेक्ट जो है ट्रेन अवेलेबल नहीं मिल पाएगी आपको, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा देहरादून, और जिस ट्रेन से हमारी जर्नी होने वाली है उसका नाम है मसूरी एक्सप्रेस, जो कि डेली रन करती है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से देहरादून की तरफ। तो देहरादून तक का हमारा सफर होने वाला है, वहां से फिर मैं आपको जर्नी जो है कंटिन्यू करने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से अभी जो है टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ जनरल कोच का टिकट लेने के लिए, और अगर आप स्टेशन पर आ रहे थे और जेब कतरों से सावधान रहें, दिन में आ रहे हैं रात को आ रहे हैं तो सावधान रहें हमेशा। लाइन में थोड़ी सा अभी जो थोड़ी सी भीड़ लगी हुई लाइन में, टिकट यहाँ से ले लिया है 120 रुपीज की टिकट पड़ी है, 120 रुपए की मात्र दिल्ली से अपना देहरादून तक की। और यहाँ पे जो नियरेस्ट आपका जो मेट्रो स्टेशन है वो पड़ता है आपका चांदनी चौक वाला, चांदनी चौक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से जब आप टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंक्वायरी काउंटर यहाँ पर है इस वाली बिल्डिंग में, इंक्वायरी काउंटर से पता कर लेते हैं एक बारी। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे हमारी ट्रेन खड़ी है, चलते हैं अभी, अंकल से मैंने पूछा। यहाँ पे आपको लाउंज की फैसिलिटी भी अवेलेबल मिल जाएगी जो कि 1 घंटे का 10 रुपए लेते हैं, और आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स अपना प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आ चुके हैं, और अपनी ट्रेन जो ये खड़ी हुई देखिए, दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस, यही ट्रेन अपनी जो है मेरे हिसाब से काफी टाइम पहले आगे खड़ी हो चुकी है यहीं पे, दिल्ली से चलती है। और अपना पीछे वाले एक बार मैं जो कोच में जाके देख रहा हूँ वहाँ पे भीड़ है कैसी, अगर वहाँ पे ज्यादा भीड़ होगी तो फिर मैं आगे आऊंगा। ये अपना सेकंड क्लास है जनरल कोच, इसमें देखते हैं अगर सीट वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अंदर चल के देखते हैं। चलना भैया, क्राउड तो है फ्रेंड्स यहाँ पे, भीड़ तो है भाई। एक कोच फ्रेंड्स यहाँ पे भी लगा हुआ है जनरल कोच का। फ्रेंड्स बैग मैंने यहाँ पे रख दिया, और सीट अभी तो अवेलेबल नहीं है, देखेंगे गाजियाबाद से आगे निकलेंगे तो सीट मिलेगी तो बैठेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन का बताऊँ, ट्रेन का यहाँ पे 10:25 पे निकलने का टाइम है, और यहाँ पे ट्रेन जो है आधा घंटा पहले भी लगी चुकी है यहाँ पे, मतलब 10:45 के आसपास लग चुकी थी, मतलब 9:45 पे लग गई थी, उस टाइम खाली थी। अंकल से पूछा मैंने अगर आप इस वाली ट्रेन को पकड़ने आ रहे हो तो यहाँ पे 9:30 के आसपास आ जाइए, जब वो प्लेटफॉर्म पे लगती है 13 नंबर पे, तो आराम से आपको सारी जो सीट है खाली मिलेगी, और आराम से आपको सीट भी मिल जाएगी अगर फैमिली के साथ आ रहे, फ्रेंड के साथ आ रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे को तो मिली नहीं, अभी देखते कहीं पे मिलेगा जुगाड़ होगा तो बैठ जाएंगे सीट पे ना भैया। आप कहाँ जाओगे? हम जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार जाने इनको, बढ़िया गंगा जी नहाने जा रहे हो, बढ़िया हर हर गंगे जमा। और यहाँ पे एक सीट मिल चुकी है, एडजस्ट हो गए हैं, देखते हैं आपके लिए कंटेंट बनाते हुए चलेंगे वीडियो। और भाई की अभी तबीयत खराब है, थोड़ा सा बैठने को दे दिया इन्होंने। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर सामान रखने के लिए लगेज के लिए आपको मिल जाएगा, पर भैया लेट है मैं सीट के चक्कर में, उधर भी यहाँ पे मैंने अपना बैग जो टंगा दिया है। सॉकेट मिल जाएगा वो चार्जिंग के लिए, यहाँ पे चार्जिंग लोहरी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आपको चार्जिंग का एक सॉकेट मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स अपनी ट्रेन भी मूव हो चुकी है, डिपार्ट हो चुकी है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10:25 पे, बिल्कुल राइट टाइम पे। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ से जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जो हमारी मसूरी एक्सप्रेस है, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेन्स आपको अवेलेबल मिलेगी, उनके लिए आप IRCTC एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ उसमें आपको देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस मिल जाएगी, कोटा देहरादून एक्सप्रेस मिल जाएगी, और देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस मिल जाएगी, देहरादून जनशताब्दी मिल जाएगी, और एक हफ्ते में 2 दिन चलती है उज्जैनी एक्सप्रेस, तो 3 से 4 ट्रेन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आपकी जो टाइमिंग सुटेबिलिटी से आप देख सकते हैं जो भी टाइम आपको सूट करता है मसूरी जाने के लिए, और उस वाली ट्रेन के टिकट आप बुक करा सकते हैं। हाँ नीलकंठ महादेव नहीं गया अभी, ऋषिकेश में ना वो, वहाँ नहीं गया। फ्रेंड देख सकते हैं अभी नाइट यहाँ से ट्रेन निकलते ही कुछ इस टाइप का नज़ारा है आपको। फ्रेंड्स ट्रेन अपनी पहुँची है अभी शाहदरा, अगर आप दिल्ली में शाहदरा के आसपास रहते हो तो शाहदरा से भी इस ट्रेन को ले सकते हैं। फ्रेंड्स 11:15 पे अपना गाजियाबाद, फ्रेंड्स 11:50 के आसपास है अपना पिलखुआ। और दिल्ली से निकलने के बाद बात करें इसके स्टेशन से, तो टोटल जो है 17 से 18 स्टेशन पड़ने वाले, और रूट रहने वाला हमारा जो दिल्ली से निकलने के बाद ओल्ड दिल्ली से अपना गाजियाबाद, गाजियाबाद से भी जो पिलखुआ है, फिर हापुड़, हापुड़ से फिर अपना गजरौला, गजरौला से अपना फिर बिजनौर, नजीबाबाद, उसके बाद जो अपना ये हरिद्वार पहुँचेगी, हरिद्वार से फिर राय वाला, डोई वाला होते हुए
यहाँ से पहुंचेंगे अपना देहरादून। तो जो डिस्टेंस हमारा इसका रहने वाला 335 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है दिल्ली से देहरादून तक का। और यहाँ पे जो है ट्रेन मॉर्निंग में पहुंचाने वाली 8:30 के आसपास उतारने वाली को। फ्रेंड्स 12 बजे पहुंचे अपना हापुड़। हापुड़ का अपना स्टेशन आ चुका है। फ्रेंड्स अब गाड़ी में क्राउड चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी गजरौला जंक्शन आया है और गजरौला जंक्शन पे जो आधे घंटे के लिए अपनी ट्रेन जो रुकने वाली यहाँ पे। फ्रेंड्स अभी आया है नजीबाबाद 4:15 पे। फ्रेंड्स ये निकल चुके हैं यहाँ से नजीबाबाद से आधा घंटे का हॉल्ट लेने के बाद। फ्रेंड्स 6:11 पर हरिद्वार आया है। अभी यहाँ से क्राउड कर रहे हैं। फ्रेंड 6:15 पहुंची अपनी ट्रेन जो है हरिद्वार जंक्शन पे। और ये देख सकते हैं अभी सारे पैसेंजर यहाँ पे उतर चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आई है देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। 6:15 पे पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार जंक्शन और यहाँ से कुछ ही दूर पे बचे हमारा देहरादून। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, क्राउड बहुत ज़्यादा था ट्रेन के अंदर, इसके चलते जो है मैं अंदर ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था, आराम से अपना रेस्ट कर रहा था, सो गया था, बीच बीच में उठ रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये वाली ट्रेन जो है मसूरी एक्सप्रेस, इसके अंदर आपको स्लीपर 3rd AC, 2nd AC, 4th AC मिल जाएगा। जैसे भी आपका बजट है वैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। और कोशिश करें अगर आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की वैकेशन बनाने जा रहे हैं तो उसकी टिकट जो है वेटिंग पे रहती है, तो जल्दी कराएं, मतलब 1-2 महीने पहले करा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सबके लिए। और सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही आपको यूजफुल जो मैं इस ब्लॉग में कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना यार, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। स्लीपर का यहाँ पे फेयर आपको पड़ने वाला है, स्लीपर बुक कराते 205 रुपये के आसपास है। और इसमें 3rd AC अगर आप कराएंगे तो इसमें आपको जो है 3rd AC पड़ने वाला 500-550 रुपये के आसपास। और 2nd AC कराएंगे तो 750 के आसपास पड़ने वाले, 750-800। और 1st AC अगर कराएंगे तो इसमें 1200-1300 रुपये के आसपास आपको पड़ने वाला है। तो आपने हिसाब से देख लेना कौन सा बजट आपका बेस्ट है, या फिर जनरल आपको करना है, आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो ऐसे भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स यार ये कुछ मम्मा ने दिए हुए थे बर, ये सैंडविच अभी ये ट्राई करते हैं, कुछ रखे हुए थे बैग के अंदर ही। फ्रेंड्स ये घर से लेके आया हुआ था, मम्मी ने कुछ बांधा हुआ था सैंडविच वगैरह, मैं अक्सर लेता नहीं हूँ बट जबरदस्ती बांध दिया तो खा ही लेते हैं। ट्रेन अभी रुकी पड़ी है सुबह मॉर्निंग में और सामने देख सकते हैं ये आर्मी के हमारे जवान जो है भाग रहे, देखो दौड़ लगा रहे हैं। ओए देखो एक सैल्यूट तो बनता है अपनी इंडियन आर्मी को यार, अपनी फोर्स के लिए एक सैल्यूट बनता है। और ट्रेन अभी अपना रुकी पड़ी है रायवाला जंक्शन। और फ्रेंड्स इस वाली ट्रेन का आपको बताऊं, जो अपना गजरौला जंक्शन था, नजीबाबाद था और अभी ये जो रायवाला, ये काफ़ी सारे 4 से 5 ऐसे स्टेशन आपको मिलने वाले हैं जहाँ पे जो ट्रेन बहुत ज़्यादा रुकती है, जाती है। मेरे को लगता था मतलब 10 घंटे क्यों होते हैं, मतलब कहाँ इतना टाइम लगता है, तो इसी जगह पे इनको टाइम लग जाता है इस वाली ट्रेन को। बाकी जो ट्रेन है वो 6-7 घंटे हम आपको दिल्ली से देहरादून उतार देंगी, जिसमें आपको नई दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन से 2 से 3 ट्रेन आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और उनका किराया भी आप देख सकते हैं, उनका फेयर जो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन दिस मसूरी एक्सप्रेस के चलते, तो उनके किराया जो है काफ़ी ज़्यादा था मैंने देखा था। और बाकी ट्रेन में मैंने जनरल कोच नहीं देखा था। अगर आप जनरल कोच से प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि आपका कभी भी ऑन द स्पॉट प्लानिंग बन रही है, तो इस वाले ट्रेन से आप जा सकते हैं। बाहर निकलते फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं अपना देहरादून और अपना राइट टाइम पे पहुंची 8:25। यहाँ सब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आपको मसूरी के लिए बस कहाँ से मिल सकती है, क्या ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है स्टेशन से बाहर निकलने के बाद। अपनी मसूरी एक्सप्रेस का सफ़र बहुत बढ़िया रहा जनरल कोच का, आई होप आपको ही पसंद आया होगा। और यार एक गुजारिश है आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जनरल कोच का सफ़र आपको मसूरी एक्सप्रेस का कैसा लगा। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून, यहाँ से अगर आपको लोकल जाना है तो यहाँ पे सारे ऑटो मिल जाएंगे आपको देहरादून में कहीं पे भी जाना है कि। और यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी काउंटर भी आपको अवेलेबल मिलेगा, अगर आपको देहरादून में कहीं पे भी जाना है तो यहाँ से आप पर्ची कटा के बहुत सारी टैक्सी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और यहाँ से अब आप मूव करेंगे आगे तो यहाँ पे आपको देहरादून का जो है बस स्टैंड मिलेगा, पर्वतीय डिपो, जिसका नाम है पर्वतीय डिपो देहरादून के। 2 आपको बस स्टैंड मिलेंगे, एक है देहरादून बस स्टैंड उस साइड पर पड़ता है वो अलग है, ये वाला पर्वतीय डिपो जिस यहाँ से आपको मसूरी की बस मिलेगी।
स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे सामने आपको जो एक बस स्टैंड मिल जाएगा पर्वतीय डिपो का, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हिल डिपो देहरादून। ये पर्वतीय डिपो है, यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा, यहीं से आपको बसेस मिलने वाली है मसूरी जाने के लिए, और यहाँ से आपको टैक्सी भी अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रीपेड काउंटर भी मिल जाएगा मसूरी का, टैक्सी का। मैं पूछता हूँ रेट क्या है टैक्सी के, हमें टैक्सी के रेट क्या मसूरी के, फोर सीटर 1500-1500 चार बंदों के, और अर्टिगा के बड़ी गाड़ी मतलब आपको नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ 25-60 रूपए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने किराया पता करा 380 रूपए पर बंदा है, पर पर्सन 380 रूपए पूरी के लिए। इसमें सारी सीट फुल थी, इसके चलते मैं इसमें नहीं बैठा। से काउंटर से आपके लिए मैं टाइमिंग भी पता कर लेता हूँ, पहली बस कितने बजे जाती है मसूरी के लिए। मॉर्निंग में 5:30 बजे पहली बस चलती है यहाँ से अपना मसूरी के लिए 5:30 बजे, और रात को 8 बजे के बाद यहाँ पे बस अवेलेबल नहीं मिलने वाली। सुबह 5:30 बजे रात को 8 बजे, इसके बीच में आपको क्या आधे आधे घंटे के अंदर बहुत सारी बसेस अवेलेबल मिल जाएगी देहरादून से मसूरी जाने के लिए। फाइनली बस में बैठना हो रहा है यहाँ पे मसूरी वाली बस में, यहीं पे बैठ जाते सबसे आगे, यहाँ से कुछ कंटेंट भी बना लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो है मसूरी में 2 बस स्टैंड आपको मिलने वाले हैं, एक मिलेगा पिक्चर पैलेस और एक मिलेगा लाइब्रेरी। दोनों का डिस्टेंस जो है पहले पड़ता है पिक्चर पैलेस का, जो लाइब्रेरी से डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का है। वाली जा रही जिसमें मैं बैठा हूँ पिक्चर पैलेस में बैठा हूँ, और ये आपका है लाइब्रेरी वाली, तो मैं इसमें से निकल के इसमें बैठने वाला हूँ, 2 किलोमीटर में पैदल नहीं चलने वाला। फ्रेंड्स वो वाली बस यहाँ से निकल चुकी है जो अपना थी पिक्चर पैलेस, अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी वाली में बैठ चुके हैं। ये वाली बस जाने वाली लाइब्रेरी चौक जो बताया, तो इसमें बैठने वाले हैं, पहुँचेंगे इसमें। हेलो फ्रेंड्स, टिकट अपने को मिल चुका है, देख सकते हैं आप 80 रुपीज़ का टिकट है, सामने लिखा हुआ है मसूरी लाइब्रेरी देहरादून स्टेशन से, और किलोमीटर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस लिखा हुआ है। फ्रेंड 1.5 घंटे का सफर तय करके पहुंच चुके हैं, 9 बजे निकले थे, 10:30 बजे पहुंचे हैं। अंदर जो लेडीज बैठी थी उनको काफी सारी वॉमिटिंग हुई थी यार, अगर आप में से कोई भी आदत नहीं है, अगर आप में से प्लानिंग कर रहा है तो यार वॉमिटिंग की दवाई अपने साथ लेके आए, या फिर सतमोला हाजमोला ये सब चीजें लेके आए, क्योंकि बस बहुत ज्यादा राउंड लेती है, बहुत टर्न्स है इसमें, तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, मात्र 120 रुपए मेरे को ट्रेन में देना पड़ा और 80 रुपए यहाँ से देने पड़े मेरे को मसूरी तक के, 200 रुपए पहुंच चुके हैं दिल्ली से अपना मसूरी। कैन यू बिलीव, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो इतनी मेहनत से मैंने बनाई है ताकि बहुत सारे लोगों का इसमें बेनिफिट होने वाला है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग जो अपने ड्रीम प्लेस जो है मसूरी का यहाँ पे आ सके। अगर आप में से किस किस का ड्रीम प्लेस है या आप में से किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, किसके साथ आना चाहोगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मॉल रोड पे तो अभी काम चल रहा है, अभी आप में से कोई भी प्लानिंग कर रहा है आने की, ये देखिए काम चल रहा है पूरे मॉल रोड पे। यहाँ पे मेरे को भाई मिल गए हैं, ये राज नाम है भाई का, और भाई जो है कानपुर से आए हुए हैं, ये भी सोलो हैं, तो अभी हम जो है दोनों शेयरिंग में अपना गुरुद्वारा, हमने गुरुद्वारे में पूछ के यहाँ पे रूम ले लेंगे। मैं हमको बताया था 600 रुपीज़ ना, 600 रुपये बताया था, तो भाई भी घूम रहे थे मेरे साथ बस में आए थे, तो मैंने देख लेते अभी यहीं पे स्टे कर लेंगे। फ्रेंड एक ये 316 नंबर है, 316 ये वाला कमरा में दे रहे हैं 400 रुपये में गुरुद्वारे में, बट हम ये वाला रूम नहीं लेने वाले, ये आपको मिलेगा इस टाइप का, वो ये वाला 400 रुपये का है वन नाइट के, तो है ये नहीं लेने वाले हम, 600 रुपीज़ वाला लेंगे। ये गैलरी मिलेगी आपको, ये फ्रेंड्स अपना 600 रुपीज़ वाला रूम है, सफाई चल रही है यहाँ पे भी। वाला रूम हमने ले लिया है, भाई मेरे को मिल गया था शेयरिंग में, हमने ले लिया 600 रुपीज़ का, जिसके हमें पैसे देने पड़े 1000 रुपये, कल जब चेकआउट करेंगे तो उसके लिए हमें 400 रुपये जो रिफंड कर दिए जाएंगे, तो ये ऑप्शन ठीक है। सीजन में अगर आप आएंगे तो इसका रेट 600 से 1000 रुपये चले जाता है। ठीक है, रूम देख सकते हैं, बढ़िया रूम है, और यहाँ पे वॉशरूम देख सकते हैं, ये नीट एंड क्लीन वॉशरूम आपको मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, आपको इस व्लॉग से बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आपको, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मसूरी आने के लिए, और स्टे के लिए मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, एक्सप्लोर करना, खाना पीना, जितने भी यहाँ पे लोकल साइट सीन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, मसूरी से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन बटन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के सभी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहें। एक कमेंट जरूर करना है वीडियो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ।